बोलो पहले यहाँ से हमें 2 किलो मटन ले गए, उसको हल्दी नमक और लहसुन रंग में भिगा दिए, हमें 1 घंटा 2 घंटा भिगने देना ऐसा। और उसके बाद में फिर भिगने दो, उसको तेल गरम करो, तेल में पहले प्याज डालो, प्याज डालो, प्याज लाल थोड़ी हो जाए, लहसुन रंग डालो, लहसुन रंग के बाद मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक, धनिया बाद में डालना, पूरा मसाला हो जाए उसके बाद में, पहले में डाल देना धनिया, उनका खाला पड़ जाएगा, उनको दोनों को साथ में मसाला हो गया जैसा, तो मुर्गा धोकर डाल दिया, जैसा अपन नमक में और हल्दी में भिगाते ना, उसमें भिगाते ऐसा मत डाल देना, उसको डबल धोना फिर डाल। किसको? मुर्गे को। मुर्गे को पहले कैसे ले आकर भिगा देना और फिर डबल से धो उसको अच्छे से। हाँ उसको अच्छे से धो, हल्दी नमक तीनों चीज डाल के फिर धो उसको और फिर बना। हाँ अरे कच्चे में डालते ना अपन थोड़ा थोड़ा, तो उसके पास भी नहीं आएगी तुम्हारे को, अभी भी नहीं आएगा, रसम भी डालना। हाँ और फिर मैं भूनो उसको अच्छा, बेहतर 15-20 मिनट उगलेगा नहीं। हाँ उसकी बोटी बोटी के अंदर तुम्हारा पूरा स्वाद आएगा, और ऐसा तुम ले आकर डाल देते हो स्वाद तो नहीं आता, फीका फीका लगता है। मसाले में डाल दो पूरा उसको, हाँ दो डाल के और खड़ा मसाला। खड़ा मसाला कितना बना दो नहीं मालूम ना, खड़ा मसाला अपन किस हिसाब से बताएंगे? नहीं हम तो डालते बड़ी इलायची। नहीं नहीं लकड़ी तो कितना बना रहे हो, कितना डालना ये बता। मतलब 1 किलो, 1 किलो बनाओगे तो 25 ग्राम मसाला डाले। 25 ग्राम में लकड़ी कितनी? वो तो सब आ जाएगी, उसमें 3-4 लकड़ी डलती है, हरी इलायची, काली मिर्ची, लौंग, साजीरा, लकड़ी में सारे चीज मिक्स कराती है तो कितना डाल दो? 25 ग्राम। हाँ 25 ग्राम। और ये तो डब्बे के मसाला डब्बा आता है बनने के बाद वो डाल दो, ये कोथमीर मत डालना। कोथमीर डालना नहीं, मतलब कोथमीर कोथमीर की खुशबू आती है अंडी के अंदर, कोथमीर डालती नहीं अपन को। नहीं डालना ही नहीं ना, काला ही बढ़ जाती बोटी से। और बस यही आइटम है? बस यही आइटम। और कितनी देर पकाना उसको बताओ ना, कितनी देर पकेगा वो? तो 15 मिनट में तैयार। तो मटन कच्चे करना, मटन को कच्चे अरे जगह यहाँ से लेके कटवा के धो डाली अपन ने उसको। नहीं धोना ही नहीं उसको, लपेट के रख दिया उसको। हाँ वो ऐसे हल्दी नमक और ये लहसुन अदरक दोनों थोड़ा 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 डाल के उसको मिक्सचर कर देना और भिग दे देना उसको, और जब मसाला तुम्हारा हो जाए ना तो उसके बाद में धो के फिर डाल देना, 2-3 पानी से धोना। तो मटर कच्ची डालें? कच्ची क्यों उबाले? नहीं कच्ची डालना, उबालना नहीं है। नहीं उबालने से मतलब क्या पूरा कष्ट तो निकल जाता उसका। सही है। अरे पानी भी थोड़ा गर्म रहेगा तो पूरा कष्ट निकल जाएगा उसका, तुमको सवाल ही नहीं आ